टूडे आई विल टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट ओके इन इंग्लिश सब्जेक्ट वॉट वी आर गोइंग टू राइट प्रिंट स्मॉल लेटर ई एफ जी एच आज में आपको प्रिंट स्मॉल लेटर ई एफ जी एच कॉपी में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगी विच लेटर इज दिस प्रिंट स्मॉल E, यानी ई e, तो ई e जो लेटर है वो बीच की मिडिल लाइन में आता है ये जो बीच की मिडिल लाइन है वहाँ पे बनाएंगे ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया ऊपर की लाइन में, में टच करके नीचे e. की लाइन में टच करके ई एफ देखिए कैसे लिखेंगे हाउ टू राइट एफ फर्स्ट यू हैव टू मेक अ स्टैंडिंग लाइन यानी अपर थ्री लाइन में क्या बना लेंगे स्टैंडिंग लाइन बना ली फिर वापस उसी लाइन पे जाएंगे अप ऊपर से जाके टर्न किया एंड देन स्लिपिंग लाइन विच लेटर इज दिस एफ एंड हाउ टू राइट जी इन मिडिल लाइन हमको कहाँ लिखना है मिडिल लाइन में फर्स्ट वी हैव टू मेक अ सी गो अप कम डाउन टच द रेड लाइन एंड लिटिल बिट टर्न विच लेटर इज दिस जी हाउ टू राइट लेटर एच फर्स्ट यू हैव टू मेक स्टैंडिंग लाइन अपर थ्री लाइन अपर थ्री लाइन बन है या बन गया स्टैंडिंग लाइन और हमको क्या करना है इसी पे ऊपर जाके जो ऊपर की जो मिडिल लाइन है वहाँ से इसको क्या करना है टर्न करके नीचे की लाइन में टच करना है विच लेटर इज दिस एच एंड यू हैव टू रिपीट स्पीक एज यू राइट बोल बोल कर क्या करना है लिखना है लाइक दिस ई एफ जी एच सी अगेन कैसे लिखना है फिर से देखिए यहां पे जो मिडिल लाइन है वहां के बीच उसमें पॉइंट में पेंसिल रखेंगे हम ऐसे और इसको यहाँ से ऊपर की जो लाइन है उस पर टच करके नीचे की लाइन में टच करके टर्न कर देंगे तो ये कौन सा लेटर बन जाएगा हमारा स्मॉल ई हाउ टू राइट एफ सी फर्स्ट यू हैव टू मेक अ स्टैंडिंग लाइन देन गो अप एंड टर्न एंड मेक अ स्लिपिंग लाइन एफ फर्स्ट यू हैव टू मेक स्मॉल सी आपको मालूम है ना स्मॉल सी कैसे बनाते हैं सी ये अपना स्मॉल सी बन गया ऊपर जाके टच करेंगे और वापस नीचे आके टर्न कर लेंगे रेड लाइन में टच करके इसको क्या करेंगे टर्न लेटर जी अगेन वी हैव टू मेक अ स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन बनाई गो अप एंड जो ब्लैक लाइन रहेगी वहां से इसको क्या करना है टच करके नीचे की जो ब्लैक लाइन है उसको वहाँ पे टच करना है टर्न करके टच करना है